हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि एमसीए कैसे तुम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स व्यू कर सकते हो किसी भी कंपनी के, कोई भी बड़ी छोटी कोई भी कंपनी हो। तुम्हें बस क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्री होते हैं, कुछ के लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और जो पेमेंट करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत कम देर के लिए आपके पास होते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद। ऐसा नहीं कि परमानेंटली आप MCA की साइट पर उसको विजिट कर सकते हो, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर तुमने एक बार वो डॉक्यूमेंट्स खोल लिए जिनको तुमने पे किया है, एक बार वो डॉक्यूमेंट्स खोले तो सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड रहते हैं। 3 घंटे में तुम चाहे तो, मतलब तुम्हारी अगर इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारा स्लो है या तुम्हारी पावर कट हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो सिर्फ 3 घंटे का टाइमर चलता रहेगा और 3 घंटा जैसे ही ओवर होगा इसका एक्सेस ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे जो भी तुमने पैसे पे किए थे 2500 या फिर जितने भी फीस होती है तो वो तुम्हारी सब वेस्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं जिससे तुम फ्री और पेड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो MCA की साइट पे जाके। तो तुम्हें पहले तो लॉगिन करना होगा, लॉगिन कर लेना V2 पोर्टल पे, V3 किसी पे भी कर लेना लॉगिन, ठीक है। उसके बाद माई वर्क स्पेस पे ऐसे होवर करना, अपना जो ये होता है माउस को ऐसे होवर करते रहना, टैप करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे हो जाता है, ये सारे ऑप्शंस दिखने लग जाते हैं। तो तुम्हें क्लिक किस पर करना है, पहली चीज़ तो फ्री डॉक्यूमेंट्स के लिए बता रही हूँ, व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा, तुम्हें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें कंपनी और LLP किसी के भी बारे में अगर जानना है तो तुम्हें इसी पर आना होगा, ठीक है। मास्टर डेटा मतलब कंपनी जो जो भी ROC से फाइल करती है चीज़ें, फॉर्म्स वगैरह, वो सारे यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पर आ गए हो, अब तुम्हें यहाँ पे चूज़ करना है कि कंपनी की LLP है, तुम बस यहाँ पे डाल दो जो भी है। तो तुम्हें अगर उसका नंबर नहीं पता है, सिन नंबर या LLP का नंबर तुम्हें नहीं पता है, तो तुम ये सर्च वाले को क्लिक करोगे और तुम वहाँ पे टाइप कर सकते हो कि ये कंपनी का नाम है और तुम सिन नहीं पता है, या तो तुम नाम टाइप कर दो या तुम्हें अगर उसका सिन पता है यानी कि जो नंबर है वो पता है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ तुम्हें डालनी होती है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज़ जैसे तुमने डाली उसके बाद ये कैप्चा होता है, ठीक है। ये बहुत ही बकवासी चीज़ है, मतलब इसको बार बार तुम्हें डालना पड़ता है। और जब अगर तुम कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्च कर रहे हो और उन्हें डाउनलोड कर रहे हो, तो जैसे एक बार मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करी थी, हमने पे भी किया था उसको और 3 घंटे का एक्सेस था मुझे, तो मैं जब उसको डाउनलोड कर रही थी कम से कम 2-3 हज़ार डॉक्यूमेंट्स थे। एक एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है और उस पर डाउनलोड करके ये इसको वो करना पड़ता है, ये कैप्चा बार बार एंटर करना पड़ता है। तो 3 हज़ार बार मैंने वो चीज़ करी एंड एट द एंड ऑफ इट मेरा सर खाली हो चुका था बिल्कुल। सो इट्स रियली अनोइंग, बट करना पड़ता है सो दैट ये सेफ्टी रहे कि कोई रोबोट नहीं कर रहा आपके बिहाफ पे, इंसान ही यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है। फिर तुम्हें सबमिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारे पास मास्टर डेटा आ जाएगा ऐसे करके। ये जो है ये पब्लिक चीज़ होती है, इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा कंपनी का सिन और यहाँ पे कंपनी का नेम, रजिस्ट्रार कहाँ का है, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। और कानपुर, जैसे UP के लिए कानपुर रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का जो है इंपॉर्टेंट नंबर होता है। कंपनी की कैटेगरी क्या है, इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी या शेयर्स, वो भी आ जाएगा। टाइप ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, उसमें से पेड अप अभी तक कितनी हुई है, वो डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। नंबर ऑफ मेंबर्स एप्लीकेबल इन केस इट इज़ विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल तो गारंटी वाली होती है कंपनी या फिर अनलिमिटेड कंपनी, तो उसके यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन ये तो शेयर कैपिटल वाली है तो यहाँ पे इसलिए जीरो है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन पे होती है वो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। रजिस्टर्ड एड्रेस फाइनली, जो भी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक चीज़ वहाँ पर लिखनी होती है। एक बार अगर आपने वो चीज़ लिख दी है इनकॉर्पोरेट करते टाइम फॉर्म में फिल कर दी, तो वही चीज़ यहाँ पे परमानेंटली आ जाएगी। ऑफकोर्स उसको चेंज कर सकते हैं, पर वो सब प्रोसीजर बवाली होते हैं, सब क्यों करने फालतू, इसलिए पहली बार में ही ध्यान से कर दो। उसके बाद एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर कहीं आप रख रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ कुछ नहीं है। ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी, ये देना मैंडेटरी है, स्टेक होल्डर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे वरना। कंपनी लिस्टेड है या नहीं, अनलिस्टेड। और एक्टिव कंप्लायंट है कि नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है, ये रहा स्टेटस ऑफ ई फाइलिंग एक्टिव, मतलब कंप्लायंस है इसका। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लास्ट डेट ऑफ EGM नहीं है, क्योंकि अभी नई कंपनी है, हो सकता है ये अभी इसका फाइनेंशियल ईयर एंड या तो हो गया है तो इसने अभी फर्स्ट AGM इसकी अभी
करी ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये कंपनी कंप्लायंट है, ठीक है। तो अगर ये कंपनी थोड़ी पुरानी होती तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एजीएम लिखी होती 30th September जो भी है, जब भी हुई थी इनकी 2000 whatever डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये नई कंपनी इसलिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम ये सारे चीज़ें यहाँ पर तुम्हें पब्लिक मिल जाएंगी पब्लिकली। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, चार्जेस। कंपनी के पास कितने चार्जेस हैं जो उसने हाइपोथेकेट मॉर्गेज करा रखे हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, नहीं हम CHG 1, 4 ये सब फाइल करते हैं विद द बैंक, जो हम बैंक से लेते हैं पैसे वैसे एज अ कंपनी। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये पब्लिक में आ जाता है, सब कोई भी स्टेक होल्डर चाहे तो वो देख सकता है आगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ सबसे लास्ट में होती है, डायरेक्टर्स और सिग्नेटरीज डिटेल्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स अब जितने भी होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, उनका डिन पैन जो भी, वैसे सबका डिन ही होता है मोस्टली, डिन के लिए आपको क्योंकि अप्लाई करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक एक का डिन रहता है, उसके अगेंस्ट उसका नाम रहता है डायरेक्टर का। ये इनकी बिगिन डेट है, ये देखो 2023 में ही ये फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, 2023 अभी रिसेंट की कंपनी है ये, इसलिए इनकी अभी कोई एंड डेट नहीं है। किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, ना ही किसी ने डिन सरेंडर किया, नई कंपनी। इसको तो मैं इंपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो, मतलब तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें इस डेटा को बार बार देखना होगा, इंपोर्ट कर लो एक्सेल में, क्योंकि ये MCA की साइट बहुत ही मतलब अनफ्रेंडली है फॉर द यूज़र। क्या करते हैं ये, अगर तुम 2-3 मिनट के लिए भी तुम दूसरे टैब में हो, तुम इस टैब पे आए ही नहीं, मेरे साथ ही बहुत होता है, तुम MCA के टैब पे नहीं आए, तुम और भी काम कर रहे हो, तुम दूसरे टैब पे हो, 2-3 मिनट बाद तुम यहाँ आते हो, तो ये MCA क्या करता है, पूरा चला जाता है, ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है और लिख के आता है कि रीसबमिट करो पूरा फिर से। तो फिर ये सब जो मैंने प्रोसेस अभी तुम लोग को बताई है कंपनी का मास्टर डेटा देखने के लिए, ये सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि MCA में बहुत जल्दी वो क्या बोलते हैं सेशन उसका एक्सपायर कर जाता है, यू हैव टू स्टे ऑन दैट साइट, और अगर तुम साइट पर हो भी तब भी कभी कभी वो एक्सपायर हो जाता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब ये तो हो गए फ्री के डॉक्यूमेंट्स, अब होते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए तुमको पेमेंट करना पड़ता है, बिकॉज वो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रार से शेयर करता है। लेकिन अगर जैसे हम लोग एज अ फर्म, कंपनी सेक्रेटरी फर्म, हम लोग अगर ये कंपनी जो है ये चाह रही है कि हम इसके PCS मतलब इसके सेक्रेटरियल कंप्लायंसेज हम देख लें, इस कंपनी के CS अपॉइंट करना अभी मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसके इंटरनल सेक्रेटरियल मैटर्स हम हैंडल कर लें, तो ये हमारा क्लाइंट बनना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे पहले रुक जाओ, पहले हमें इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, पहले हमें ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरीज फॉर्म, हमें सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें अंदर खोद खोद के देखना होगा, ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं, खोद खोद के हमें देखना होगा कि इस कंपनी में क्या क्या नॉन कंप्लायंसेज हैं, तो हम या फिर इस कंपनी में क्या क्या टाइमली फाइलिंग्स करें हैं नहीं करें हैं, ROC के साथ इसके क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंसेज हुए हैं, क्या क्या फॉर्म्स फिल करें हैं कि नहीं, शेयर कैपिटल में कितने चेंजेस आए हैं, डायरेक्टर्स कितने आए हैं गए हैं, जो भी है उसकी डेट हर चीज़ की, तो हमें पे करना पड़ेगा उसके लिए पैसे। तो अब आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्सेस होते हैं, दो तरीके की चीज़ें हैं, ये भी एक तरह से फ्री ही है, व्यू LLP मास्टर डेटा दिया तो भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें या तो इसमें मत जाओ क्योंकि ये चीज़ अभी मैं बता चुकी हूँ। अब इधर आ जाते हैं, हाँ इधर ही साइड में होता है मास्टर डेटा के नीचे काफ़ी, ठीक है, क्या लिखा है ये, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्चेस, इस हेड के अंदर ही आता है, यहाँ पे आपको लगेंगे पैसे। तो यानी कि जो सीरियस लोग हैं जिनको सच में काम है, ताकि जेन्युइननेस बनी रहे, ताकि वही लोग सिर्फ कंपनी के इंपॉर्टेंट इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को देखें, तो इसलिए MCA पैसे चार्ज करता है, ठीक है। गेट सर्टिफाइड कॉपीज, या तो आप ये क्लिक कर सकते हो, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, या फिर रिक्वेस्ट फॉर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको आ जाएंगे वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है, हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, पैसे हर चीज़ के फिर बढ़ते जाते हैं, हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स से काम चला लेंगे, वी विल जस्ट व्यू इट एंड डाउनलोड इट, ठीक है। अब इस पर हमने क्लिक कर लिया, ये आ गया हमारा कंपनी का नेम, हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम उसकी ये दो चीज़ें होती हैं, दोनों में फिल करनी होती हैं, जो भी कंपनी का नाम है आपका, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे कुछ कैटेगरी होती है, इसको हमें टैप करना है, और हमें उसका ईयर भी टैप करना है। वैसे हमें तो एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होता है, तो मैंने कहा था ना मुझे 3000 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पड़े थे, और फिर आप यहाँ पे सबमिट करोगे। देखो अब कैसे होता है, उसकी डिटेल दिखाती हूँ। यप, जो भी कंपनी है, मैंने उसकी डॉक्यूमेंट, इतनी सारी कैटेगरीज फिक्स्ड हैं, यही होती हैं सर्टिफिकेट्स, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और भी कोई अगर सर्टिफिकेट्स हैं, चेंज इन डायरेक्टर्स, कितने आए हैं कितने गए हैं, डेथ या जो भी रीज़न है,
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स यानी MOA AOA कितनी बार ऑल्टर हुआ, जब जब MOA AOA ऑल्टर होते हैं उनकी कॉपी बार बार हमें ROC को अपडेटेड देनी होती है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। चार डॉक्यूमेंट्स, बाप रे, ये वाले तो 1000 नंबर में होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इतने गंदे होते हैं। चार लेटर CAG 1 और उसके सेटिस्फैक्शन के चार्ज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये सब बैंकिंग के मैटर्स में बहुत ज़रूरी होता होगा, पर मुझे तो ये बहुत बोरिंग लगता है। चार्ज वाले डॉक्यूमेंट्स अजहेल होते हैं लिटरली। अच्छा, और क्या है यहाँ पे? एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट ई फॉर्म्स, ये तो खतरनाक है। तो XBRL अगर आप पे एप्लीकेबल है तो XBRL जो होता है फॉर्मेट उस फॉर्म में होंगे, नहीं तो स्कैंड कॉपीज होंगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो फिजिकली लोग बनाते हैं अपना बैलेंस शीट वगैरह, PL बैलेंस शीट जो भी सब है। और LLP अगर आप कन्वर्ट हुए हो टू एंड फ्रॉम LLP तो यहाँ पे डिटेल्स होंगे। अदर ई फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, अदर अटैचमेंट्स, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक खेल होता है, क्योंकि क्या होता है जब कंपनीज़ कोई भी ROC से फॉर्म फिल कर रही होती है, फाइल कर रही होती है कंपनी, तो यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट में लोग बहुत कुछ लगा देते हैं, और सबसे गंदी बात ये होती है उसको रीनेम नहीं करते हैं। रीनेम कोई करता ही नहीं है, तो उसका नाम कैसा फिल्ड होता है अगर तुम ये गलती से तुमने खोल दिया ये वाले, तुम इस पर चले गए और तुमने व्यू करे, इसमें भी ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार, अगर छोटी कंपनी 1,000 या 3-4 हज़ार, बड़ी कंपनी है तो उसके तो भाई तुम सोच ही नहीं सकते कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, और 3 घंटा सफिशिएंट होता ही नहीं उसके लिए तो बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम पड़ा ही नहीं होता, इसमें नाम पता क्या पड़ा होगा, इसका नाम ऐसे होता है A123 कॉपी डैश ऐसा करके फालतू .PDF, इतने गंदे गंदे नाम होते हैं कि देख देख के एक पॉइंट के बाद तुमको समझ में आनी बंद हो जाते हैं, तो नंबर्स वंबर सब एक जैसे देखने लगते हैं पॉइंट के बाद, तो इट्स रियली बोरिंग। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हमें ध्यान रखना होता है हम एक एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने सर्टिफिकेट्स का सिलेक्शन किया और मैंने ईयर चूज़ किया 2022, मुझे 2022 के देखने हैं इसका कितने सर्टिफिकेट्स इस कंपनी के हैं। 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही मैंने क्लिक किया सबमिट पर, मैंने क्लिक किया ये आया इस कंपनी के पास, यहाँ पे देखो लिखा है ना 1 रिजल्ट फॉर्म, सिर्फ एक ही, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैंने कहा था नई कंपनी है, देखो 8/3/2022 अभी बनी है। अब हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट, हमें ये डॉक्यूमेंट अगर चाहिए ऐड दिस टू कार्ट कर देंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ऐड एवरीथिंग टू द कार्ट, मतलब एक ऐसा सिलेक्शन होता है कि हम पूरी की पूरी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को एज अ होल कार्ट में डाल लेंगे, और उसके लिए हम पे करेंगे 2,000-5,000 जितनी भी फीस पड़ रही है पे करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ तो क्या लिखा है 1 डॉक्यूमेंट फाउंड, गलती से अगर यहाँ मैंने चार्जेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया था ना गलती से, तो यहाँ लिखा होता 2,500 डॉक्यूमेंट्स फाउंड, और एक बार में यहाँ टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो तुमको बार बार नेक्स्ट 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 क्लिक करना पड़ता है, और तुम भूल जाओगे कि तुम थे कहाँ लास्ट, इतने सारे एक जैसे सब दिख रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं एक्चुअली ये 3-4 बार कर चुकी हूँ, मुझे ड्यू डिलिजेंस के लिए काम आया था जब, तो मैं 3-4 बार ऐसे परचेज्ड कंपनीज के हज़ारों फॉर्म्स डाउनलोड करें और मेरा दिमाग खाली हो गया था, तो मैंने तब तो स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए तुम लोगों को दिखाने के लिए, बट अब मुझे नेक्स्ट जब ये काम आएगा तो मैं ज़रूर स्क्रीनशॉट लूँगी, सो दैट तुम लोगों को एक क्लियर व्यू मिल जाए कि अंदर कितना गंदा होता है सब कुछ, मतलब इट्स रियली बोरिंग। और भी 3 घंटे की टाइमलाइन से तो और एक दिल में वो चलता रहता है धक धक, ठीक है। अब और क्या बचा है इसमें, एक सेकेंड चेक कर रही हूँ, बस इतना ही है। अच्छा, अब तो ये क्या होता है, तुम यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन आता है होम स्क्रीन पे MCA की, वहाँ पे लिखा होगा तुमने एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने एक्स प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लिया, इस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा होगा और डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो अवेलेबल होगा, यहाँ पे लिखा है नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स परचेज नहीं किया है, जब परचेज करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ जाता है ऑल डॉक्यूमेंट्स ऐसे करके लिख के आता है, ठीक है। एक्सपायरी टाइम और डेट यहाँ लिखी होती है, हो सकता है 3 दिन के लिए आपके पास हो, लेकिन उन 3 दिनों में जैसे ही तुम अंदर चले गए भाई, तुम जैसे ही अंदर गए 3 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, 3 आवर्स में तुम चाहे पूरा डाउनलोड कर पाओ या ना कर पाओ। एक बार मेरे साथ इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, और उसको तुम शायद 2-3 बार ही ओपन भी कर सकते हो, 2-3 टाइम्स यू कैन जस्ट ओपन दिस। मैंने एक बार इतनी बेवकूफ़ी कर दी थी, एक बार मैंने ओपन किया, ठीक है, कुछ डाउनलोड करे लाइक 100 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर पाई हूँ, उसके बाद लाइट चली गई मेरी, ठीक है। अब लाइट जाते ही क्या हुआ, पूरा का पूरा बंद हो गया पूरा, फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद लाइट आई तो रिकनेक्ट किया, मैंने फिर से उसमें लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने शायद
दो लास्ट के फोल्डर्स बस बचे होंगे, लाइक ऑलमोस्ट 200 डॉक्यूमेंट्स बचे होंगे, बाकी मैंने सब डाउनलोड कर लिया। ठीक है, फिर चली गई लाइट। तो मैं दो बार एक्सेस कर चुकी थी ऑलरेडी। हाँ, उसके बाद मैंने एक बार और एक्सेस किया और मैंने उसमें चली गई। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं लंच कर लेती हूँ, फिर आके इसको रिज्यूम करती हूँ। मैं तीन बार इसको ऑलरेडी ओपन कर चुकी थी। उसके बाद मैं जैसे ही फोर्थ टाइम यहाँ पर आई, इस जगह पर जहाँ मैंने तुम लोग को बताया, जैसे ही मैं यहाँ फोर्थ टाइम में, यहाँ लिखा था एक्सपायर्ड एंड आई वाज लाइक शेट, आई होप ये महंगा ना हो। फिर मैंने सीनियर्स को बताया कि सर ये एक्सपायर हो गया है। मैंने फिर बोला कि पावर कट हुआ था एंड ऑल एंड ऑल, तो उन्होंने कहा हाँ पावर कट तो बहुत हो रहा है आजकल, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर से पे किया एंड उन्होंने कहा प्लीज़ बी केयरफुल, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो मोबाइल के, लेकिन यह अब दोबारा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये बार बार करना फीजिबल नहीं है कंपनी के लिए, है ना, बार बार पे करो उस चीज़ को। उसके बाद फाइनली तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे इसमें सीखने को मिली। एनीवे, जब मैं रियल में कर रही होंगी फिर से तो मैं तुम लोग को और डिटेल में दिखाऊंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।